हिंद, आज मैं इंग्लिश पुडिंग बनाने जा रही हूँ। आज ट्राई करते हैं चॉकलेट ट्राइफल पुडिंग विथ आइसक्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। थोड़ा ट्विस्ट करेंगे इसमें, कस्टर्ड ना डाल के आइसक्रीम डालेंगे। देखते हैं कैसा स्वाद होता है इसका। आइए ट्राइफल पुडिंग बनाते हैं। ट्राइफल पुडिंग बनाने से पहले मैं शुगर सिरप बनाऊंगी। गैस ऑन कर दिया है। एक कटोरी मैंने चीनी ली है, आधा कटोरी पानी। 7 से 8 मिनट इसे सिम में ही बनाएंगे। रोज पेटल पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसको भी डाल देती हूँ उसमें मैं। 7 मिनट हो गए, ये शुगर सिरप हमारे बनकर तैयार हो गया है। गैस स्विच ऑफ करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक सिरप ठंडा होता है, तब तक हम इसको क्रीम को बीट कर लेते हैं। ये घर का क्रीम है, मलाई है, जो 2 कटोरी के बराबर है। आप चाहे तो बाहर से भी क्रीम ले सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी थोड़ा यूज करूंगी और घर का क्रीम तो यूज करूंगी ही। स्पॉन्ज केक लिया है, इसको क्यूब के शेप में काट लेंगे। आप पूरा भी रख सकते हैं, बीच में से इसे कट करके। मैंने इसे छोटे छोटे कप में डालना है, तो छोटे छोटे क्यूब में इसको कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है। घर की मलाई को आप इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से हैंड बीटर है, इससे भी आप अच्छे से फेंट सकते हैं। आजकल वेदर अच्छा है, अगर आपको लगता है कि वेदर गर्म है या गर्मी का मौसम है, तो आप जब भी घर का ये मलाई से क्रीम बनाएंगे, तो आप इसके नीचे प्लेट रखेंगे, उसमें आइस क्यूब रखेंगे और उसके बाद इसे बीट करेंगे, ताकि ये क्रीम बने, बटर नहीं बने। घर की बनाई हुई क्रीम में 1 टीस्पून पिसा हुआ चीनी डालूंगी। मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर और फ्लफी क्रीम बन गया है। ये लीजिए, हमारी क्रीम बन के तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैं मार्केट का भी क्रीम डाल देती हूँ। ये पूरी तरह आप पर है कि आप घर में बनाई हुई क्रीम डालें या मार्केट से ले, या फिर आप दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं। पहले से स्टार्ट करती हूँ। चारों ओर मैं स्ट्रॉबेरी सिरप डाल दूंगी, चॉकलेट सिरप डाल देती हूँ, इसको इसमें रख लेते हैं। इसी तरह से इसमें भी स्ट्रॉबेरी सिरप, स्पॉन्ज केक लेंगे, जो ये सिरप बनाया था वो डाल रही हूं, थोड़ा सा डालेंगे। इतना डालेंगे कि स्पॉन्ज केक थोड़ा भीग जाए। बनाया हुआ क्रीम, ग्रेप्स, थोड़ा सा रेजिन भी डालूंगी। जब हमने ये सिरप बनाया, तो इसमें आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये रोज पेटल्स डाले हैं, तो आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं इसमें, या फिर रोज एसेंस भी डाल सकते हैं। फाइनली अब हमारा आया टेस्टी आइसक्रीम। ये काजू किशमिश आइसक्रीम है, आप कोई भी आइसक्रीम डाल सकते हैं। अगर आप बड़ा बोल लेंगे, उसमें अगर ये ट्राइफल पुडिंग बना रहे हैं, तो इसकी एक लेयर फिर से रिपीट कर सकते हैं। पहले स्पॉन्ज केक, देन सिरप, उसके बाद क्रीम, फिर उसके बाद आइसक्रीम,
जो आपको पसंद है वो लेयर करते जाइए। इसके ऊपर मैं चॉकलेट सिरप डालूंगी। थोड़ा सा चॉकलेट चिप, काले अंगूर, आप ग्रीन ग्रेप्स भी डाल सकते हैं। तो ये बनके तैयार हो गया है हमारा चॉकलेट ट्रैफल पुडिंग। 10 मिनट्स के लिए इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखिए। इसी तरह से बड़े बोल में डालेंगे। तो लीजिए, चॉकलेट ट्रैफल पुडिंग बनके तैयार हो गई है। इस बार की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर मैसेज कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब से ही मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन से ही इंसान गतिशील होता है। और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाऊं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।